ये देखें, ये पुल के ऊपर नहीं चढ़ना, पुल से नीचे से रास्ता जा रहा है। इधर से निकल, इधर से निकलना है पुल के नीचे से, पुल के ऊपर नहीं चढ़ना बिल्कुल से। अब आगे जहाँ मुड़ता है वो भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये रास्ता जा रहा है शेरशाह की तरफ, और पुल से भी शेरशाह की तरफ जा रहा है, और ये वाला रास्ता जो है जा रहा है सीधा हॉक्स बे की तरफ। ठीक है, अब ये रास्ता बिल्कुल सीधा हॉक्स बे जाएगा, जैसे जैसे मुड़ेंगे मैं बताता हूँ। ये देखें, ये वाला जो है ना, इधर बाड़ीपुर के जो ट्रक वगैरह सही होते थे वो अभी इधर होते हैं, इधर सही होते हैं देखो। ठीक है, इसी रोड के ऊपर आ रहा है ये रोड, जहाँ जहाँ टर्न हो रहा है सीधा हॉक्स बे जा रहा है ये रोड। ठीक है, इस रोड पर सीधे चलेंगे तो सीधा हॉक्स बे आ जाएंगे। अगर आपको फ्लैशमेंट का कोई सामान लेना हो तो आप इधर से रास्ते में से ले, यानी कि ले सकते हैं इधर से। ये सारी दुकानें आप ये देख रहे हैं सब, ये सब जगह पे फ्रेशमेंट का सामान मिलता है इधर से, और पीछे से शुरू हो जाता है। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये भी देखेंगे सब दुकानें इधर की। ठीक है, आप इधर से सामान खरीद सकते हैं। अब आगे से मुड़ते हैं तो मैं दिखाता हूँ किधर जाना है। ये देखें, ये मस्जिद है, इसी रोड के ऊपर ये मस्जिद आती है। ठीक है, और ये मस्जिद से जो है ना, ये वाला रास्ता जहाँ से सदुकी आ रही है, ये रास्ता जा रहा है मनोड़े। ठीक है, और ये जहाँ से ब्लैक कलर की कार आ रही है, ये रास्ता जा रहा है सीधा हॉक्स पे और सुनहरा पॉइंट मुबारक ब्रिज जा रहा है। अब जहाँ से टर्न होंगे फिर मैं वहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है, अब इस जगह के ऊपर जब आप आने के बाद, तो ये वाला जो उल्टे हाथ पे रास्ता मोड़ रहा है, ये सीधा मनोड़े जा रहे हैं, और बिल्कुल सीधा जो जा रहा है वो जा रहा है हॉक्स पे जा रहा है, मुबारक ब्रिज जा रहा है। अगर मेरी आवाज़ में कोई फ़र्क हो तो मैं माजरत खाऊँ उसके लिए आवाज़ के अंदर। हाँ, ठीक है, देखें अभी तक हम सीधे आ रहे हैं, और इसी रोड के ऊपर ना बहुत पुरानी लगी हुई है सोलर सिस्टम लाइटें। ये देखें, ये मैं आपको नज़दीक करके दिख रहा हूँ, ये देख रहे हैं, इसमें सोलर सिस्टम लाइटें लगाई गई थी बैटरी के साथ ना, और जो रात को जलती थी जिस टाइम, कोई कराची के अंदर सोलर को इतना लोग जानते नहीं थे, बहुत कम लोग जानते थे सोलर को, उस टाइम ये सोलर सिस्टम लगाया गया था। ये देखें, इस पूरे रोड के ऊपर ये सोलर सिस्टम लाइटें लगाई गई थी, मगर अब जो है तकरीबन कराची में सब लोग जानते हैं इसको। मैंने सोचा जी मुझे नज़र आया तो मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, मुशर्रफ कॉलोनी का रोड भी जो है ना, ये इधर से ही निकलता है, ये पीछे से निकलता है इधर से। ठीक है, बकरीब ही है मुशर्रफ कॉलोनी का। ये देखिए, हम लोग हॉक्स बे पे आ चुके हैं इस टाइम, और ये मैं बताता हूँ, हम लोग आए इस रोड से। ठीक है, इस वाले रोड से अभी हम लोग आए, और ये वाला रोड जो है ना, जहाँ पुलिस वाले की चौकी बनी हुई है, ये मनोड़े जा रहा है। ये वाला रास्ता भी मनोड़े से जो रास्ता मैंने दिखाया था वहाँ से भी आ रहा है, और ये रास्ता इधर से आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं इसको जो है ना, ये डॉल्फिन चौरंगी कहलाती है ये, और ये सामने दुआ होटल है, इसकी निशानी ये है। देखो मैं और क्लोज करके दिखलाऊँ, ये दुआ रेस्टोरेंट है ये। ठीक है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुजम्मिल अहमद, ये मेरा यूट्यूब चैनल है प्लम्बर के हवाले से। जैसे कि पता है, हम पिकनिक के ऊपर और विजिट पर जाते हैं और ब्लॉग बना रहे हैं मुख्तलिफ, और बिज़नेस के आईडी दे रहे हैं। आज हम लोग हॉक्स बे पर आए हैं, आपने समंदर देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा। माशाल्लाह संडे का दिन है, कितनी पब्लिक है ये आप देख सकते हो इसके अंदर। और ये देखें, ये अब्दुल वहाब है, और ये लारे कपड़े पहन रहा है, और ये मैं हूँ। ठीक है, और ये हम समंदर के पास देखो खड़े हैं इसके अंदर, और ये आप देख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अब ये माशाल्लाह से नहाते हैं तो दिखाते हैं, ज़रा पहाड़ पे बैठते हैं उस पत्थर के ऊपर, फिर आपको दिखाते हैं कैसे मंज़र है माशाल्लाह से, और बहुत बहुत बेहतरीन मंज़र है। ठीक है, ये देखो, ये लोग सालगिरह मना रहे हैं अपनी, देख रहे हैं, और ये माशाल्लाह से इधर पूरा समंदर का मंज़र है, और अभी पानी चढ़ा हुआ था, देखें पानी कितना उतरा है इधर, और बिल्कुल से मज़ा आ रहा है इधर। ये देखें, ये देख रहे हैं पानी चढ़ा हुआ बिल्कुल उतरा, अभी नहाते हैं इधर, और ये नहाने की जगह बेहतरीन है ये। और अभी हम एक पहाड़ के ऊपर चले, इधर पानी ज़रा साफ़ सुथरा पानी है, ये माशाल्लाह तो बेहतरीन है। देखो ये अब्दुल वहाब है, ये मैं हूँ, और ये आप देख सकते हो ये, और ये मंज़र जो है ना बेचारा माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है हॉक्स बे का। जैसे कि मैंने रास्ता भी दिखलाया आपको हॉक्स बे के अंदर आने का ना, और माड़ीपुर से फिर दोबारा मैं एक दफ़ा आपको बता दूंगा जाते हुए, और ये बहुत बेहतरीन रास्ता है ये। और आवाज़ में कुछ मसला आ रहा था क्योंकि माइक इस्तेमाल नहीं कर रहे हम लोग, और बड़ा शोर शराबा हो रहा है, पानी भी उतरा हुआ बहुत मज़ेदार हुआ हुआ है। ठीक है, लोग नहा रहे हैं इधर, और ये बैठे हुए देखो ये सही है, वो फिशिंग भी कर रहे हैं कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कर रहे हैं फिशिंग, और बिल्कुल बेहतरीन है माशाल्लाह से, अच्छा है कि पानी उतरा हुआ
144 तो लगी हुई उधर, मगर आगे की तरफ लगी हुई है कोने की तरफ ना, मगर इधर आवाम नहारी तो जैसे ऐसा लग रहा है इधर नहीं लगी हुई 144। ठीक है, ये देखें ये कुछ कर रहे हैं ये लोग, और ये देखें, और ये दोनों माशाल्लाह से मेरे बेटे आए हुए नहाने के लिए इधर, और बेहतरीन मंजर है ये देखें ये गाड़ियों की। अच्छा, इन्होंने जैसे वो कल्ली झील पे छोटे छोटे कमरे बनाए हुए ना हट नुमा, ऐसे इन्होंने इधर भी बना लिए, किराए पे दे रहे हैं। बारा ये देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, ये देखें मैं क्लोज करके ये पक्के हट दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखें तो माशाल्लाह से शीरमाल है, पराठा है, ये नान है, और ये कीमा स्टू फ्राई किया हुआ है, और माशाल्लाह से खाते खाओ खाते हैं तो ये दिखाता हूँ मैं आपको कैसा मज़ा आ रहा है। और ये देखें इधर हम लोग बैठ के कैसी जगहों पे खा रहे हैं, ये कैसा भाई आप बताए, चले माशाल्लाह से मैं लगा के देखता हूँ। ये नान का मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये नान तोड़ा मैंने, और ये नान तोड़ के इधर से माशाल्लाह से थोड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखा शीरमाल का लेता, ये शीरमाल लिया, और ये कीमे में लिया, और ये देखा, और ये देखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ा आ गया माशाल्लाह, चले खाना खाता हूँ तो फिर मैं मिलते हैं खाना खा के। ये देखें रोटी के जो ज़र्रात हैं वो इधर डालते हैं आप, और बाकी जो कचरा आपसे जो हो गया वो कचरा आप शॉपर के अंदर भर लें, समंदर में बिल्कुल ना फैलाएं, फिर कहीं डस्टबिन मिले कहीं कचरे की जगह मिले तो वहाँ कचरा डाल दें। इधर समंदरों के ऊपर देखो ये खा खा के लोगों ने लग के चले गए ऐसे मुख्तलिफ जगहों पर, और ये बुरी बात है, ये समंदर के अंदर जाएगा, इधर ही हम आ रहे हैं पिकनिक के लिए, और इधर ही जो आ रहे हैं ये देखें, अब हम इसको जाएंगे जाके डस्टबिन में फेंकेंगे, और जो जो मेरी वीडियो देख रहा है भाई इस पर अमल करें और आगे तक इसको शेयर करें, कचरा अपना अपने साथ ले जाके डस्टबिन में डालें उसको। ठीक है, ये देखें नहाने जा रहे हैं ये लोग, दोनों भाइयों ने पानी के अंदर कदम रख लिया, और मैं भी इधर बैठ के पाँव अपने गीले करूँगा। ठीक है, और ये माशाल्लाह से इधर ऐसे करके बहुत मज़ा आने वाला, भाई ये नहाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा, और ये आप मुझे भी देख सकते हैं ये, और फिर कुछ एकदम मज़ा आने वाला है इसके अंदर ऐसे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, लारे भाई ने माशाल्लाह से डुबकियाँ लगाना शुरू कर दी, ये देखें कैसे मज़े से नहा रहे हैं, और ये लोग डुबकी लगा दी, ये देखो ये लगाई लारे भाई ने, और अब्दुल बाबा अभी तक खड़ा हुआ ही है। ये देखें तो पानी आने लगा मेरे पाँव तक, ये मैं आपको ये देखें पाँव तक पानी आया मेरे, और ये लहरें बढ़ती जा रही है माशाल्लाह। चलें फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, और माशाल्लाह इधर आए हम लोग बस एहतराम, और आप जा रहे हैं सूरज भी थोड़ा सा बस दूर पे जा रहा है होने जा रहे हैं, तो ये देख लें माशाल्लाह से। ठीक है, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके लाजमी बताया करें वीडियो कैसे लगे। अस्सलाम वालेकुम।